हेलो स्टूडेंट आई एम सोनम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर स्टूडेंट को पूरे के पूरे नंबर देते हैं और टीचर क्या देखकर स्टूडेंट के कॉपी में उन्हें फेल कर देते हैं तो यहाँ पे हम आप सभी को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं जो टीचर होते हैं वो आप सभी के बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कौन सी ट्रिक और टिप्स देखकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देते हैं और आप सभी लोग एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हो तो यहाँ पे हम आप सभी को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत ही मोस्ट ट्रिक और टिप्स बताएंगे जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो बीस तो से तीस नंबर देंगे वो भी बिल्कुल फ्री में आप सभी को देंगे ठीके? और जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है अगर वो इस ट्रिक और टिप्स को जान गया तो इस बार उसका बोर्ड एग्जाम में पंचानवे परसेंट नंबर बिल्कुल पक्का है ठीक है तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप लास्ट तक देखिएगा और सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यहाँ पे हम आप सभी को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे जितना भी यहाँ पे टॉपिक है सभी टॉपिक को हम आप सभी को काफी अच्छे तरीके से समझाएंगे और यहाँ पे हम आप सभी को ठीक है पूरे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिख कर बताएंगे किस तरीके से आपको कैसे क्या लिखना है ठीक है किस तरीके से आप सभी को शुरुआत करना है फर्स्ट so, पॉइंट क्या है जिसे देखकर टीचर आप सभी के कॉपी में आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं ठीक है यानी आप सभी के कॉपी में सबसे पहले जो एग्जामिनर होते हैं वो आपकी कॉपी में क्या देखते हैं जिसे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं वो है आपकी हैंड राइटिंग ठीक है यानी आपकी लिखावट अगर आप सभी की हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है जिसे टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर दे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे नेक्स्ट है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलते ही आप सभी को सबसे पहले क्या करना है नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप सभी को आधा आ रहा है ठीक है यानी कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर सिर्फ आपको आधा आ रहा है पूरा नहीं याद है ठीक है तो आप सभी को क्या करना है उसको लिखना है छोड़ देना है या उसे आपको किसी ट्रिक के माध्यम से उसको पूरा लिखना है ठीक है तो सभी ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे कैसे लिखना है आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बिल्कुल भी नहीं आता हो उसका आंसर पता ही नहीं है तो आपको ट्रिक से कैसे लिखना है जिससे टीचर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर दे ठीक है सभी जितने भी पे टॉपिक है सभी के बारे में हम आपको बताएंगे तो यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखे क्या ज्यादा पेज लिखने से आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे ठीक है तो सभी चीजें हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि टीचर कॉपी में क्या देखकर स्टूडेंट को पास या फेल करते हैं ठीक है तो सबसे पहला यहाँ पे हैंड राइटिंग यानी जो आप सभी की लिखावट है सबसे पहले टीचर आपकी लिखावट को ही देखते अगर आप सभी की लिखावट अच्छी है तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते अगर आप सभी की लिखावट अच्छी नहीं है तो आप सभी के वहाँ पे नंबर कट जाते हैं, ठीक है तो अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो आप सभी को किस तरीके से लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर दे की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग दो वर्डो के बीच में इस तरह से ठीक है एक एक पेन का इस तरह से गैप देकर लिखिए तो इस तरीके से आप सभी को ऐसे गैप दे देकर लिखना है ठीक है तो अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो तो आप सभी की हैंड राइटिंग देखने में काफी अच्छी लगेगी ठीक है और आप सभी को टीचर भी पूरे के पूरे नंबर देंगे सिर्फ आपको कोशिश करना है कि आपका फर्स्ट और सेकेंड पेज यानी जो स्टार्ट के होते हैं फर्स्ट और सेकेंड पेज उसमें आपको कहीं भी कट क्रॉस नहीं करना है कट पिट नहीं करना है आप सभी को बिल्कुल क्लियर लिखना है जो कुछ भी आपको लिखना है ठीक है और इस तरह से गैप देकर लिखना है इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है सादा पेज छोड़ना बहुत स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं अपनी कॉपी में बीच बीच में सादे पेज को छोड़ देते हैं ठीक है उनको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो वो क्या करते हैं उसके प्लेस पे सादे पेज को छोड़ देते ठीक है और उसका आंसर वो नहीं लिखते इससे क्या होता है जब टीचर आप सभी के कॉपी को चेक करते हैं ठीक है तो वो इस तरह से सादा पेज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं कई स्टूडेंट है जो क्या करते हैं उनको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूरे पेपर में नहीं आ रहा है तो वो क्या करेंगे इसी तरीके से सादे पेज छोड़कर चले आएंगे ठीक है उसके जगह पर वो कुछ भी नहीं लिखेंगे तो अगर ऐसे में टीचर जब उनके सादे पेज को देखता है तो वो क्या करता है सीधे उनको जीरो नंबर दे देता है इसलिए देखिए आप सभी को अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग उसके आंसर को किसी ट्रिक और टिप्स के माध्यम से लिखिए ठीक है अपने से बना करके लिखिए लेकिन आप सभी लोग उसके आंसर को जरूर लिखने का प्रयास कीजिए तो वहां पर टीचर आप सभी को जीरो नंबर देंगे और आप सभी को सीधे फेल कर देंगे तो आप सभी लोग सादा पेज बिल्कुल भी भूल भी मत छोड़िए ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर डालकर न लिखना बहुत स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं वो कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिख रहे ये वो नहीं डालते सीधे वो आंसर लिखना प्रारंभ कर देते ठीक है इससे क्या होता है टीचर को समझ में नहीं आता है कि स्टूडेंट किस क्वेश्चन के आंसर को लिखे हुए हैं तो यहाँ पे टीचर नहीं समझ पाते हैं तो वो क्या करते हैं सीधे वहां पे उनको जीरो नंबर दे देते है चाहे वो कितना भी अच्छा ना लिखा हो तो सीधे टीचर जो होते हैं उनको जीरो नंबर दे देते क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि आप लोग जो क्वेश्चन का आंसर लिखे हो वो किस क्वेश्चन का आंसर लिखे हो आप लोग ठीक है इससे क्या होता है टीचर आपको जीरो नंबर दे देते हैं और आप लोग फेल हो जाते हो इसलिए आपके नंबर कट जाते हैं इसलिए आप सभी को जब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो सबसे पहले आप लोग इस तरह से क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए ठीक है जैसे इंग्लिश है तो यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर इस तरीके से लिखना है। हिंदी है तो इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है तभी आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखना है ठीक है अगर ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे नंबर टीचर देंगे इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है जिसे देखकर टीचर को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ठीक है वो है फालतू बातें देखिये बहुत स्टूडेंट होते हैं जब उन्हें कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वो क्या करते हैं फालतू बातों को लिखने लगते हैं जैसे क्या हो गया गालियां हो गया ठीक है और आत्महत्या हो गया इस तरीके से आत्महत्या हो गया कस्मे हो गए ठीक है और गाने हो गए और सारी हो गए तो इस तरीके से आप क्या करते हैं स्टूडेंट की इस तरीके से फालतू चीजों को लिख देते अपनी कॉपी में तो जब भी टीचर ये सब लिखा हुआ कॉपी को देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और क्या करते हैं वो सीधे स्टूडेंट का नंबर काट के उसे फेल कर देते हैं ठीक है तो आप सभी को ये सब चीजें बिल्कुल भी अपनी कॉपी में भूल कर भी नहीं लिखना है ठीक है अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आप लोग बिल्कुल भी गलत कर रहे हो टीचर आपको जीरो नंबर यहाँ से देगा एक भी नंबर अपने तरफ से नहीं देगा तो इसलिए आप सभी को ये सब फालतू चीजें बिल्कुल भी अपनी कॉपी में नहीं लिखना है ठीक है तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट इसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर आपको मिलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं किसी दो नंबर वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं वो दो पेज में लिख देते हैं वो सोचते हैं कि हमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे और हम अच्छे से पास हो जाएंगे ठीक है लेकिन ऐसा क्या है बिल्कुल भी नहीं है देखिए क्या है आप सभी का कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो उसमें आप सभी का यहाँ पे नंबर दिया होता है ठीक है यानी वो कितने नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे उसका नंबर दिया रहता है और उसी नंबर के हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना होता है जैसे यहाँ पे ठीक है इस तरीके से चार नंबर छः नंबर यानी आपको उसी तरीके से लिखना है कोई दो नंबर वाला क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ दो से तीन लाइन ही लिखना है आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे उसी दो से तीन लाइन लिखने पर नंबर लिखा हुआ है यानी जो भी आप सभी का सब्जेक्ट है उसमें जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसके आगे नंबर दिए रहेंगे आपको जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आपको नंबर को देखकर ही लिखना है अगर कोई भी क्वेश्चन दो नंबर का है तो आप सभी को बहुत करना है तो सिर्फ आपको दो लाइन ही लिखना है ठीक है इससे अधिक आपको नहीं लिखना है यानी आपको क्या करना है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन दो नंबर का है तो वो सीधे दो पेज लिखेंगे कि हाँ दो पेज लिखने से हम तो अगर आप सभी लोग दो नंबर के क्वेश्चन को दो पेज लिखोगे तो आप सभी के पूरे पेपर में जो तीन घंटे पंद्रह मिनट का समय मिलता है ठीक है ये आप सभी के एक ही क्वेश्चन में पूरा एंड हो जाएगा समाप्त हो जाएगा आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा और आप लोग पूरे तीन घंटे पंद्रह मिनट में सिर्फ एक से दो क्वेश्चन ही कर पाओगे तो आप समझ लीजिए आपको कितना नंबर मिलेगा ठीक है इसलिए देखिए आप सभी लोग यानी जितना नंबर का दिया हुआ है उसी हिसाब से आप लोग लिखिए अगर दो नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग बहुत कीजिए तो आप लोग उसको दो से तीन लाइन में ही लिखिए ठीक है आप लोग दो पेज बिल्कुल भी मत लिखिए अगर आप लोग ऐसा करते हो तो ये बिल्कुल भी गलत है आप लोग इसको सुधार लीजिए ठीक है ठीक है प्रश्न का आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है थोड़ा सा गैप जरूर देना है यानी देखिए जैसे आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर कॉपी पर लिखना स्टार्ट किए और क्या हुआ कि वो आप सभी का आंसर जो है वो आधे पेज में ही सिर्फ हो गया उसके बाद आप सभी का क्या हुआ आधा पेज नीचे बच गया तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो लाइन छोड़कर ठीक है उसी में आप लोग क्वेश्चन नंबर डालकर लिख दीजिए और अगर आप सभी का क्या है यानी पूरा पेज भर गया सिर्फ नीचे के तीन लाइन ही आपके बाकी है तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से कीजिए ठीक है और इस तरीके से आप सभी को गैप देकर लिखना है एक एक पेन का और एक क्वेश्चन पूरा होने के बाद दो से तीन लाइन छोड़ने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखने से या कोई भी इमोशनल बातें लिखने से टीचर आप सभी को नंबर देते हैं ठीक है तो ये बिल्कुल भी गलत है आप सभी को ठीक है एक भी नंबर ये सब चीजों पर नहीं मिलते जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो तो क्या करते बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ठीक है पांच की नोट या दो की नोट ठीक है सौ रुपए की नोट इस तरीके से दो हजार ठीक है तीन हजार रूपए क्या करते है? वो अपनी कॉपी में रख देते वो सोचते हैं कि टीचर हमें पूरे के पूरे नंबर देकर अच्छे नंबर से पास कर देंगे लेकिन बिल्कुल भी ये नहीं है ठीक है क्योंकि आप सभी को भी पता होगा जो आप सभी की बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक होती है वो सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में चेक होती है इससे आप सभी को ठीक है टीचर पैसा तो ले लेंगे लेकिन आपको एक भी नंबर में उसके बदले में नहीं देंगे इसलिए आप लोग पैसा बिल्कुल भी कॉपी में मत रखिए ठीक है और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपनी कॉपी में इमोशनल बातें लिखते हैं ठीक है जैसे लिखते हैं मैं बहुत गरीब हूँ टीचर मुझे पास कर दीजिए ठीक है या मैं आत्महत्या कर लूंगा नहीं तो मुझे पास कर लीजिए या मेरी शादी नहीं हो पाएगी आप मुझे पास कर दीजिए अच्छे से नंबर दे दीजिए ठीक है इस तरीके से कई प्रकार की इमोशनल बातें जो होते हैं या मेरी माँ नहीं है मेरे पिताजी नहीं है ठीक है इस तरीके से कई प्रकार की इमोशनल बातें स्टूडेंट्स अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखते हैं वो सोचते हैं टीचर ये सब चीजों को देखेंगे जब पढ़ेंगे तो उनके अंदर दया आ जाएगी और वो क्या करेंगे हमें अच्छे से अच्छे नंबर दे देंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसी भी टीचर ठीक है आपके ऐसे लिखने पर ऐसे बातों पर कभी भी आपको नंबर नहीं देंगे इसलिए आप लोग जो ये इमोशनल फालतू की बातों को लिख रहे हो अपनी कॉपी में लिखोगे ठीक है उससे अच्छा है कि आप आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर को ट्रिक से लिख लीजिए ठीक है या आप लोग उस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिख दीजिए वहां पे आप सभी को दो नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर जरूर मिलेगा चार नंबर का क्वेश्चन है तो आपको तीन और दो नंबर जरूर मिलेगा लेकिन ये इमोशनल बातों पर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा सिर्फ आपको जीरो नंबर मिलेगा और टीचर सीधे फेल कर देंगे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर लिखे कि नहीं लिखे ठीक है तो बिल्कुल जरूर लिखिए आप लोग इसका आंसर आपको नंबर मिलेंगे ठीक है क्योंकि जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ठीक है वो स्टेप मार्किंग होते हैं यानी क्या है जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में पांच नंबर का आ गया ठीक है और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आधा ही याद है तो आप लोग जैसे क्या होता है आप सभी के पेपर में स्टेप मार्किंग होते है ठीक है अगर आप लोग फर्स्ट स्टेप करते हो तो आप सभी को दो नंबर मिलेंगे अगर आप लोग सेकेंड स्टेप भी कर दिए तो फिर से आप सभी को दो नंबर मिलेंगे अगर आप लोग थर्ड स्टेप कर दिए तो आप सभी को यहाँ पे फिर से एक नंबर मिलेंगे ठीक है यानी यहाँ पे कितने हो गए टोटल ये कितने नंबर हो गए पांच नंबर हो गए तो अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन का आंसर आधा याद है तो आप लोग आधा ही लिखिए आपको दो नंबर मिलेंगे ठीक है अगर उससे भी अधिक आपको उसका आंसर याद है तो आप लोग फिर से लिखिए आपको फिर से यहाँ पे चार नंबर हो जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से अगर आप लोग क्या करोगे यानी कि अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर आधा याद है तो आप लोग उसको छोड़िए मत अगर आप लोग उसको छोड़ोगे तो टीचर आपको जीरो नंबर देंगे ठीक है इसलिए देखिए आप सभी को क्या करना है आप सभी को यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आधा याद है आपको आधा ही लिखना है आपको टीचर नंबर देंगे लेकिन आपको छोड़ना नहीं है ठीक है तो इस तरीके से आप सभी के पेपर क्या होते हैं स्टेप मार्किंग होते हैं आप लोग जितना स्टेप करोगे आपको उतना ही नंबर मिलेगा नंबर के हिसाब से और उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बोर्ड के पेपर में ठीक है बिल्कुल भी नहीं आता है उसका आंसर आप सभी को इस ट्रिक से लिखना है टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे ठीक है तो वो कौन सा ट्रिक आपको लगाना है इस तरीके से देखिए तो आप सभी का इंग्लिश है ठीक है इसमें क्या होता है पैसेज दिया होता है इस तरीके से पैसेज दिया रहेगा अब इसमें क्या है आप सभी को इंग्लिश में जैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन या राइटिंग हो गया लेटर एप्लीकेशन ठीक है आर्टिकल एसे कुछ भी है यानी अगर आप सभी को नहीं याद है तो आप लोग क्या करोगे यानी आप लोग क्वेश्चन नंबर डालकर आप लोग इस में से किसी फुल स्टॉप से आपको बीच में से आपको उठाना है लाइन और आपको दो से तीन लाइन उठाकर आपको उस क्वेश्चन में लिख देना और एक फुल स्टॉप तक ही ठीक है अगर आप लोग इस तरीके से लिख देते हो तो आप सभी को टीचर पूरे के पूरे अच्छे से अच्छे नंबर देंगे ठीक है यानी अगर कोई क्वेश्चन चार नंबर का है तो आपको तीन नंबर जरूर देंगे और जैसे यहाँ पे हिंदी हो गया ठीक है हिंदी में भी आप सभी को पास होने के कई चांस होते हैं जैसे इसमें गद्यांश पद्यांश दिया होता है ठीक है तो आप लोग के हिंदी के पेपर में जैसे आ गया जीवन परिचय वगैरह हो गया ठीक है निबंध हो गया और इस गद्यांश पद्यांश के भी आप लोग रेखांकित अंश की जो व्याख्या करने के लिए आता है क्वेश्चन उसमें भी आप सभी लोग इस पैसेज का यूज इस गद्यांश पद्यांश का यूज कर सकते हो ठीक है हेडिंग डालकर आप लोग इसको को लिख सकते हो आप सभी को ठीक है सिर्फ आपकी पेज भरा होना चाहिए आपकी हैंडराइटिंग क्लियर होनी चाहिए टीचर आपको पूरे के पूरे अच्छे नंबर देंगे इस तरीके से देखिए टीचर भी क्या सोचते हैं टीचर किसी भी स्टूडेंट को फेल करना नहीं चाहते लेकिन ठीक है अगर आप लोग कुछ ना कुछ लिखे रहोगे तो टीचर को भी वहां पे आपको नंबर देने की चांस हो जाती है और टीचर भी आपको नंबर देते हैं तो इसलिए आप लोग कुछ ना कुछ जरूर लिखिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ लिख दीजिए ठीक है सिर्फ आपका जो क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड आपको पूरी किताब से कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप लोग उस क्वेश्चन के प्लेस पे लिख सकते हो सिर्फ से थोड़ी बहुत रिलेटेड होनी चाहिए आपको टीचर अच्छे से अच्छे नंबर देंगे और अगर आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल लिखेंगे ही नहीं सादा पेज छोड़ देंगे तो आपको वहाँ पे टीचर एक भी नंबर नहीं देंगे और टीचर का भी आपको पास करने का चांस नहीं रहेगा इससे टीचर क्या करते आपको फेल कर देते हैं क्योंकि टीचर जो होते वो कभी भी आप सभी के क्वेश्चन के आंसर को पूरे के पूरे नहीं पढ़ते और नहीं वो मिलाते हैं ठीक है सिर्फ यहाँ पे देखते जाएंगे कि हाँ आप लोग फर्स्ट पेज में सेकेंड पेज में काफी अच्छे तरीके से लिखे हो कहीं भी कट क्रास वगैरह नहीं किए क्लियर लिखे हो आप लोग ठीक है और क्वेश्चन नंबर ये सब डालकर लिखे हो तो टीचर बस देखेंगे की हाँ पेज भरा हुआ है और काफी क्लियर कट क्रास वगैरह नहीं है तो आपको नंबर देते चले जाएंगे क्योंकि टीचर जितना कॉपी चेक बोर्ड एग्जाम की उनको उतना ही पैसे मिलते हैं इसलिए वो कभी भी आपके एक एक वर्ड को मिलाकर चेक नहीं करते हैं। तो इसलिए आप सभी को कहीं भी कट क्रास वगैरह नहीं करना है हैंडराइटिंग आपको फर्स्ट और सेकेंड पेज में ठीक प्रारंभ में आपको बिल्कुल सही से लिखना है अगर आप लोग सही से लिखे रहोगे तब टीचर जो होते हैं वो आपके कॉपी पर कम समय देंगे आपकी कॉपी इस तरीके से चेक करते चले जाएंगे और वही आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं रहेगी आप लोग काफी कटपिट किए रहोगे फर्स्ट पेज में ही तो टीचर वहां पर देखने लगेगा ध्यान से और क्या होगा उसमें टीचर टाइम दे देगा अपना ठीक है और टाइम अगर टीचर दिया तो समझिए आपका नंबर चला जाएगा कट जाएगा वहां पे इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखिए और इसके बाद देखिए आप सभी के पास जो बचे समय है उसमें आपको बोर्ड एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कैसे करना है जिससे आप सभी का इस बार बोर्ड एग्जाम में पंचानवे परसेंट अंक बिल्कुल पक्का है तो अब आप सभी को क्या करना है अपना सौ परसेंट बिल्कुल स्टडी पर देना है ठीक है और आपको स्टडी पर बिल्कुल ध्यान देना है इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है ये नहीं कि सिर्फ आप लोग एक ही सब्जेक्ट आपका एक से दो सब्जेक्ट फेवरेट है और आप लोग उसी को डेली पढ़ रहे हो और आपके लिए जो ये हिंदी है इंग्लिश है वो आपको काफी सरल लग रहा है और आप लोग उसको नहीं पढ़ रहे हो ठीक है ठीके? तो आप लोग ये बिल्कुल गलत कर रहे हो आपको डेली आपको टाइम टेबल बना लेना है उसी हिसाब से आपको डेली सब्जेक्ट को पढ़ना है और आपको रिविजन करना है नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन बैंक से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेना है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर को तैयार कर लेना है ठीक है इसके बाद जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको भी आपको तैयार कर लेना है रिपीटेड क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में कैसे मिलते हैं तो जो भी क्वेश्चन के आगे इस तरीके से सन दिया होता है कि हाँ दो में आया हुआ है 2023 में आया हुआ है ठीक है तो इस तरीके से सन दिया होता है तो वो रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आपको टिक लगा लेना है और उसे रट लेना है तैयार कर लेना है नेक्स्ट आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस इयर्स पेपर को जरूर सॉल्व करना है इससे क्या होता है इससे अगर आप लोग मॉडल पेपर और प्रीवियस इयर्स पेपर को सॉल्व करोगे तो इसमें से आपके तीस से चालीस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं ठीक है हर साल आने वाले क्वेश्चन कुछ होते हैं जैसे लॉन्ग क्वेश्चन तो वो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको तैयार रखना है नेक्स्ट है आपको अब क्या करना है मेन मेन पॉइंट को जरूर आपको ध्यान में रखना है और आपको मेन मेन पॉइंट को ही अब आपको पढ़ना है ठीक है अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ते हो तो आप सभी का इस बार बोर्ड एग्जाम में पंचानबे परसेंट अंक बिल्कुल पक्का है ये मेरी सौ परसेंट गारंटी है ठीक है और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पढ़ रहे हो या याद कर रहे हो ठीक है उसके अंदर जो की वर्ड है जिससे पूरा क्वेश्चन का आंसर बना हुआ है उसकी वर्ड को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो की वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग को की वर्ड याद है तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में नहीं आ रहा है फिर भी आप लोग उसकी वर्ड के माध्यम से बना लोगे ठीक है तो इस तरीके से आप लोग ऐसे ही बिल्कुल पढ़िए ठीक है इस अगर आप लोग ऐसे पढ़ते हो तो आपका पंचानवे मार्क्स इस बार एग्जाम बिल्कुल पक्का है। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की ट्रिक बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया है सभी के अलग अलग वीडियोस हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए ठीक है या आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में भी वो वीडियो मिल जाएंगे वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए तो इस तरीके से अगर आप सभी लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे पूरे क्वेश्चन को आप लोग लिखते हो और यहाँ पे जिस तरीका को हमने बताया पूरे तरीके से आप लोग लिखते हो तो आप सभी को टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे और इस बार आप सभी का बोर्ड एग्जाम में पंचानवे परसेंट अंक बिल्कुल पक्का ये 100 है ये मेरी सौ परसेंट गारंटी है आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे थैंक्स ऑल द वेरी बेस्ट बाय बाय